घाटी मौत की घाटी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। लगातार घाटी क्षेत्र में दुर्घटनाएं घट रही हैं, जिससे लोग काल के गाल में समा रहे हैं। जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। मंगलवार को घटी भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की मौत के बाद बुधवार को फिर घाटी क्षेत्र में शाम करीब 6:30 बजे एक दुर्घटना घट गई। जानकारी के अनुसार उड़ीसा के अंगुल से कोडरमा जा रहा केमिकल लगा एक टैंकर घाटी में पलट गया है। इस टैंकर में काफी ज्वलनशील केमिकल भरा है। जानकारी के अनुसार टैंकर में बेंजोल नामक केमिकल भरा था। जानकारों ने बताया कि यह केमिकल पेट्रोल से भी ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ है। घटना की सूचना मिलने के बाद रामगढ़ प्रशासन सक्रिय हुआ। तत्काल घटनास्थल पर अग्निशमन दस्ता को भेज दिया गया है। कोई बड़ा हादसा ना हो, इसे लेकर रांची पटना हाईवे को एक तरफ बंद कर दिया गया है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाने के लिए कई क्रेन घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। टैंकर में भरा हुआ केमिकल को बहा दिया जा रहा है, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न घटे। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची हुई है। केमिकल टैंकर के ड्राइवर और खलासी दुर्घटना में बाल बाल बच गए हैं। शिव कुमार बताइए फिर से। एक अंगुल टाटा भूषण से माल आ रहा है, एक कोडरमा में जाएगा, एक ट्रैक्टर बचाने के चक्कर में जो है गाड़ी जो है पलटी खा गई। लगातार रिसाव हो रहा है तेल का, तो ये आग लग सकता है क्या? हाँ, इसमें आग लग सकता है। ये पेट्रोल से तेज है। पेट्रोल से तेज है? पेट्रोल से भी तेज है। न्यूज विंग के लिए रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।